हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे, और सुबह उठने के बाद मैं फ़्रेश हो गई हूँ, और फ्रेश होने के बाद सीधे आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो अभी मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली कितना हो रहा है। तो सुबह के 4:24 हो गए हैं, और अब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूंगी, और आज मैं फर्स्ट स्लॉट में पढ़ने वाली हूँ हिस्ट्री। और मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री में जो पोर्शन है बिहार 7th फेज टीचिंग एग्ज़ाम का, वो पूरा सर ने कम्प्लीट करा दिया है, बट मेरी अभी 2 वीडियो बची हुई है, तो उन 2 वीडियोज़ को भी देखकर मैं उनका नोट्स प्रिपेयर कर लूँगी। तो अभी मैं हिस्ट्री लर्न कर रही हूँ, और लर्न करने के बाद एक वीडियो लेक्चर भी अटेंड करने की कोशिश करूँगी। और आपको तो पता ही होगा कि आज नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो जितने लोग भी एलिजिबल हैं बिहार 7th फेज एग्ज़ाम के लिए, वो लोग आप अपनी कमर कस लीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। आपको सब कुछ पढ़ना होगा, थ्योरी भी पढ़ना होगा, MCQs भी पढ़नी होगी, साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे, मॉक टेस्ट भी देना होगा, और इतना सारा कुछ जब आप करके जाएंगे तो आराम से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। मैंने हिस्ट्री का लेक्चर अटेंड करने की पूरी कोशिश की, बट ऐप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, रिकॉर्डेड वीडियो ऑन नहीं हो रही थी, तो इस वजह से मैंने लेक्चर अटेंड नहीं किया। बट इसके बाद मैंने यूट्यूब से शशिशरण सर का MCQ सॉल्व किया, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि जितना भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक वाइज MCQ सॉल्व करा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और मैं आपको बता दूँ कि इनके नोट्स को जब मैंने पढ़ के MCQ सॉल्व किए हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो जा रहे थे। और एक खासियत और है इस सर की कि एक क्वेश्चन को कितने टाइप से पूछा जा सकता है, 2-3 टाइप से एक ही क्वेश्चन को कराते हैं बार बार, और जब आप बार बार उन क्वेश्चन को करेंगे तो वो सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और आप आसानी से उन्हें लर्न कर पाएंगे। तो बस हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने दोबारा से चेक किया कि वीडियो लेक्चर कोई ऑन हो भी रही है नहीं। तो मैंने सोचा था कि अगर कोई वीडियो लेक्चर ऑन होगी तो मैं एक क्लास अटेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं ज्योग्राफी का क्लास अटेंड कर रही हूँ, और आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि मैं दोबारा से यहाँ पर टाइमर ऑन करना भूल गई थी। लेकिन हाँ, जब पढ़ते पढ़ते बीच में मुझे वॉशरूम जाना था, और मैंने सोचा कि मुझे यहाँ टाइमर ऑफ़ करना चाहिए, तब मैंने वहाँ चेक किया तो देखा कि टाइमर ऑफ ही है ऑलरेडी। बट कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और आज का जो मेरा टॉपिक था ज्योग्राफी का, वो था भारत की तटीय सीमा, और इसे पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स थे इसमें, और मैं आपको सच बता रही हूँ, जिसमें कोई स्टोरी नहीं होती ना, वैसे फैक्ट्स मुझे लर्न करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो बस अभी मैं ज्योग्राफी के नोट्स भी बना रही हूँ, बट मैं एकदम श्योर नहीं हूँ कि मैं हर दिन इसका नोट्स बनाऊँगी या नहीं। ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है कि अगर मुझे मन करेगा तो बना लूँगी, अदरवाइज़ मैं इसका PDF नोट्स प्रिंट आउट करवाऊँगी और मैं उसी से पढ़ूँगी। फाइनली मेरा ज्योग्राफी का एक लेक्चर जो है वो कम्प्लीट हो गया है, और सच में ज्योग्राफी पढ़ने के बाद ना बहुत ज़्यादा मुझे नींद आती है, बट कोई बात नहीं, ये भी एक सब्जेक्ट है तो इसे मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। और आज मैंने मॉर्निंग आवर में बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, और मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब मैं सुबह उठती हूँ तो बहुत अच्छा पढ़ लेती हूँ, बट जब मैं सुबह नहीं उठती हूँ तो उतना ज़्यादा मेरा पढ़ने का मन भी नहीं करता है, और उतना ज़्यादा मेरा आउटपुट भी नहीं निकलता है। तो इस तरह से आज मैंने मॉर्निंग आवर में ही लगभग 3 घंटे की पढ़ाई कर ली है, और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, किचन का काम करने के लिए। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें मेरे सब्सक्राइबर्स पूछती हैं कि दी, अगर हमारी शादी बिहार में हुई है बट हम आउटसाइडर हैं, तो हम यहाँ का फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इस बात का कन्फ्यूजन सबको है, मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, बट 2-3 टीचर्स ने इसे एक्सप्लेन भी किया यूट्यूब पर, तो आप जाकर उनका एक्सप्लेनेशन देख सकती हैं। वहाँ पर उन्होंने बताया है कि अगर आपकी शादी बिहार में हुई है बट आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने हस्बैंड के एड्रेस से फॉर्म तो फिल कर सकते हैं, बट आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। किसी भी तरह का आरक्षण का अगर आपको दावा करना है, तो वो एड्रेस आपका परमानेंट बिहार का होना चाहिए। तो ये बात लिखी गई है, और ये बात सर भी कह रहे हैं, बट अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप कन्फ्यूज़ ही हो जाएंगे। तो इसीलिए मुझे पहले भी कन्फ्यूज़न था। और यहाँ पर देखिए, मैं जो अपने लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं अपने ससुराल आई तभी मैंने इसे फर्स्ट टाइम खाया था, तो उसके बाद से ये मेरा फेवरेट बन गया है। और इसमें क्या है कि तीसी और मिल्ट जागरी है, तीसी को आप फ्लैक्सीड भी बोल सकते हैं। तो फ्लैक्सीड को मेरी सास ने क्या किया कि भून के और उसके बाद उसे मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है, और फिर हमने इसमें मिल्ट जागरी अच्छे से मिला दिया, और अब हम इसे रोटी में भर लेंगे। और उसके बाद इसे आप घी से भी सेक सकते हैं, या फिर आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसे ऐसे ही खाऊंगी विदाउट एनी घी और विदाउट एनी रिफाइंड ऑयल, और फिर ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल भी है। और ये देखिए, ये है अरहर की दाल के बीज, और एक्चुअली मैं पहली बार इसे देख रही हूँ, इससे पहले मुझे पता नहीं था कि अरहर की दाल के बीज ऐसे होती है।
तो यहाँ पर मम्मी जी उसे भून रही हैं। और इसके बाद इसे क्या किया जाएगा, पानी में डुबा कर रखा जाएगा और फिर इसे सुखा दिया जाएगा और उसके बाद इसे आप जाकर मिल में पिसवा लीजिए तो आपकी अरहर की दाल बनकर तैयार हो जाएगी। और ये जो अरहर का दाल है ये हमारे खेत से आता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें ग्राउंड से मिलती हैं, तो यहाँ पर मुझे रहकर थोड़ा अच्छा भी लगता है कि हाँ ठीक है, गाँव में रहने के बहुत सारे आपके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, मीन्स कि मुझे बाहर ज़्यादा जाने के लिए नहीं मिलता है या फिर उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं है यहाँ पर, बट हाँ खाने पीने में आपको एकदम प्योर चीज़ें मिलेंगी और आपका दिल खुश हो जाएगा। घर का सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं कर रही हूँ हाउस क्लीनिंग। और मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं काम पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि 2 से 2.5 घंटे में सारा काम फिनिश कर लूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना अभी मुझे बेनिफिशियल नहीं लग रहा है। और आप सब देखिए कि अभी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी हमारे लिए, एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस है ना कि काम पर। और हर दिन हमारे टीचर्स भी यही कहते रहते हैं कि बिहार में इतनी बड़ी वैकेंसी दोबारा कभी नहीं आएगी, आएगी भी तो 10 सालों के बाद आएगी कम से कम। तो मुझे लगता है कि अगर अब नहीं होगा तो फिर कब होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारी सैलरी भी जो है टीचर्स की इंक्रीज़ कर दी गई है, पेंशन भी लागू कर दिया गया है, राज्य कर्मी का दर्जा भी मिल गया है, और प्लस अगर हम इसे क्रैक करते हैं तो हमें हमारे होम स्टेट में जॉब मिलेगी, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि आज के डेट में सब चाहता है कि हम अपने फैमिली के आसपास रखें, अपना सेफ्टी नेट जो है वो बना कर रखें, तो इस हिसाब से ये वैकेंसी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए अभी जो है आप देखेंगे कि मैं जल्दी जल्दी सारा काम कंप्लीट करके ज़्यादा फोकस जो है वो पढ़ाई पर करती हूँ। तो फाइनली सारा काम घर का कंप्लीट हो गया और इसके बाद मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने, क्योंकि आज है 75 हार्ट चैलेंज का डे 5। और 75 हार्ट चैलेंज मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद को सच में बहुत ज़्यादा फिट देखना चाहती हूँ। अब मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती जहाँ मुझे ऐसा लगे कि मैं बहुत ज़्यादा अनफिट हूँ, तो इसलिए मुझे फिट होना है। तो इस तरह से मैंने आज भी 328 कैलोरीज बर्न की हैं। और आज का जो वर्कआउट था वो थोड़ा स्लो पेस का था, क्योंकि हम हर दिन बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हर दिन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे तो आप 7-8 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, एक दिन हाई इंटेंसिटी करती हूँ और एक दिन लो इंटेंसिटी वर्कआउट करती हूँ। इसके बाद मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं हर दिन आजकल ऐड करती हूँ सैलड। सैलड्स के साथ मैंने थोड़े से मैंगोज़ भी लिए हैं और साथ में वो रोटी जो बनाया था और उसके साथ थोड़ी सी भिंडी की भुजिया। और यहाँ पर बहुत लोग कहेंगे भी कि सैलड मतलब नाश्ता के साथ नहीं खाना चाहिए। देखिए हर चेंज हम अपनी लाइफ में नहीं ला सकते एक बार में। मैं तो पहले सैलड्स खाती भी नहीं थी, तो फर्स्ट स्टेप तो मेरा ये है कि मैंने कम से कम सैलड खाना शुरू किया है। इसके बाद मैं देखूंगी कि आगे और अपनी लाइफ में क्या चेंज कर सकती हूँ, बट हाँ जो मैंने चेंज किया वो कम से कम पॉजिटिव तो है। तो ये बात होती है, हम हर कुछ एक साथ नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ ये बात याद रखिए कि आज ही से एकदम सारा एक्सरसाइज भी करो, रूटीन भी फॉलो करो और क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है सब पे ध्यान दो, वो हर चीज़ें एक साथ नहीं होंगी, एक एक करके हम सबको धीरे धीरे मास्टर करेंगे। तो बस अब मेरी स्टडी का सेकेंड स्लॉट स्टार्ट हो गया है। सेकेंड स्लॉट में पढ़ रही हूँ पॉलिटी, और पॉलिटी में आज का जो टॉपिक है वो है संविधान के भाग। और देखिए पॉलिटी ना मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि पॉलिटी को मैंने एक बार पहले बहुत अच्छे से पढ़ा है घटनाचक्र की बुक से, तो वहाँ पर जब मैंने पॉलिटी पढ़ा था तो बहुत अच्छे से कम्प्लीट किया था। तो अभी पॉलिटी मुझे ईजी लगती है, पॉलिटी मुझे बिल्कुल भी टफ नहीं लगता। और सबसे टफ अगर कुछ लगता है तो वो ज्योग्राफी है, अदरवाइज़ हिस्ट्री और पॉलिटी तो मेरा फेवरेट है। इस बुक से मैं हर दिन केवल 2 पेज पॉलिटी लर्न करती हूँ और दूसरे दिन पढ़ने से पहले फर्स्ट 2 पेजेस को रिवाइज़ करती हूँ। तो इस तरह से मैंने आज भी 2 पेज केवल लर्न किया है और साथ ही साथ कल जो 2 पेज मैंने पढ़े थे उनको रिवीजन किया है। और अब यहाँ पर देखिए लाइट जो है वो कट गई थी और बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी मुझे, तो बस मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और उसके बाद पढ़ना दोबारा शुरू करूँगी। दोपहर के 2 बज गए हैं और गर्मी भी एकदम पीक पर है, और एक्चुअली हमारा फ्लोर ऊपर है तो ये वाला रूम कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। फिर भी पढ़ाई तो करनी ही है, तो समहाउ मैं मैनेज कर रही हूँ कि मैं कैसे भी पढ़ लूँ, क्योंकि देखिए गर्मी के मौसम तो बहुत आते जाते रहेंगे लेकिन एग्ज़ाम का मौसम हमेशा आता जाता नहीं रहता और हर बार इतनी वैकेंसी भी नहीं आती है। तो बस यही सोच के मैं दोबारा से पढ़ने बैठ जाती हूँ। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा केवल बिहार का करंट अफेयर्स जो है वो बाकी है, तो आज मैं बिहार का करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 1 अटेंड कर रही हूँ। और ये सर करंट अफेयर्स अच्छा पढ़ाते हैं, बट एक चीज़ है कि इनके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा
अगर आप इनके सेंटेंसेस देखेंगे ना तो उटपटांग होते हैं, ये अच्छे से अरेंज करके नहीं लाते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं समझ जाती हूँ और उसके बाद मैं उन सबको नोट कर ले रही हूँ। क्योंकि देखिए, मैंने एक स्पीडी की भी करंट अफेयर्स की बुक मंगाई है, बट उसमें इतना सारा करंट अफेयर्स है कि उतना मैं पढ़ ही नहीं सकती। इनफैक्ट अब एग्ज़ाम में लगभग 60 डेज बचे हैं, तो 60 डेज में आप उतना सारा करंट अफेयर्स कैसे लर्न करेंगे। तो इसीलिए मैं इस वीडियो लेक्चर का सहारा ले रही हूँ कि इसमें जितने दिए हुए हैं कम से कम मैं उतना लर्न कर लूँ। क्योंकि अगर आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो जीके से आएगा, तो करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का या 20 मार्क्स का नहीं आना वाला, वो 5 से 6 नंबर का आएगा। और 5 से 6 नंबर के लिए स्पीडी की पूरी बुक को लर्न करने की ज़रूरत मैं नहीं समझती हूँ। तो मैं बस यहीं से करंट अफेयर्स पढ़ूँगी जो ये प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद मैं नीचे आ गई थी क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और नीचे ये मम्मी जी का रूम है, यहाँ पर थोड़ी गर्मी कम लगती है। तो मैं यहाँ पर बैठकर पढ़ रही हूँ और करंट अफेयर्स जो है वो नोट डाउन कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे फैक्ट्स सर ने पढ़ाए हैं। अगर आपने भी ऑफिस अकेडमी का बैच लिया है तो आप एक बार ज़रूर इस करंट अफेयर्स वाले लेक्चर को विज़िट करिएगा और इधर नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। तब आपको समझ में आएगा कि कितना कुछ लिखना था। ये सर तो केवल स्लाइड लेकर आते हैं और स्लाइड से नोट डाउन तो हमें करना पड़ता है। तो फाइनली मैंने करंट अफेयर्स का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और शाम के 4:18 हो गए हैं। और अभी मैं दिखाऊंगी आपको अपने नोट्स के मैंने कितने लेक्चर्स अटेंड किए हैं। आपको यहाँ पर मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी लग रही हो क्योंकि सच में मैंने इसे एकदम बिल्कुल मन से नहीं बनाया है, बस लेक्चर्स अटेंड किए हैं और कैसे भी करके नोट डाउन कर लिया ताकि बाद के लिए मैं इसे प्रिजर्व करके रख सकूँ और पढ़ सकूँ। इसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद अब मैं दोबारा आ गई हूँ करंट अफेयर्स लर्न करने के लिए। और एक्चुअली मैं यहाँ पर इसे पूरा लर्न नहीं करूँगी, एक एक बार रीड करूँगी। क्योंकि जब कोई चीज़ आप समझते हैं और एक बार रीड कर लेते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। तो बस अभी मैं एक एक बार इसे रीड करूँगी और रीड करने के बाद शाम का काम करने के लिए चले जाऊँगी। कि शाम में आज हमें बनाना है इडली, और इडली है मेरा फेवरेट। और अभी क्योंकि मैं हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ तो शाम में मैं कुछ ऐसा हल्का खाने की कोशिश करती हूँ। तो फाइनली आज ही मैंने 7 आवर्स का स्टडी टारगेट अपना कंप्लीट किया है और इसके बाद आ गई हूँ किचन में किचन का काम करने के लिए। और यहाँ पर मैं सांभर बनाने की तैयारी कर रही थी, और मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत इंस्टेंट सांभर बनाती हूँ, मीन्स कि बहुत आराम से बन जाएगी आपसे लगभग 15 से 20 मिनट में, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है। तो और ये मेरे इंस्टेंट सांभर की रेसिपी जो है ये सीक्रेट है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप बताइएगा, मैं कभी किसी वीडियो में आपको बता दूँगी। इसके बाद मैं इडली का बैटर रेडी कर रही थी, और ये इडली जो है हम सूजी और दही से बना रहे हैं। हम चावल वाला जनरली नहीं बनाते हैं, सूजी और दही वाला भी इंस्टेंट इडली होता है, ये आराम से बन जाता है। तो बस उसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और थोड़ा सा सरसों ऐड किया है। और सरसों जो है ऐड करना ये मेरे हस्बैंड का आइडिया था, ये मेरा आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। और किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो अभी मैं बाहर चली जाऊँगी क्योंकि बैटर को भी फूलने के लिए लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ना पड़ता है। अब हो गया है मेरा बैटर रेडी, तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हल्दी। हल्दी ऐड करने से इडली जो है ना वो येलो कलर की बनती है और मुझे उसे देख कर बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। तो बस इसमें हल्दी ऐड करके और इडली बना दूँगी। अगर आप भी इडली बनाते हैं तो आप भी नेक्स्ट टाइम हल्दी ऐड करके बनाइएगा, देखिएगा इडली कितनी सुंदर सुंदर निकल के आएंगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा उनको देखकर। तो बस अब मैं बैटर को इडली स्टैंड में डालूंगी, बट हाँ उससे पहले मैं इसमें इनो ऐड कर लूँगी, और इनो ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसे मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद बैटर को स्टैंड में डाल दूँगी और ताकि इनको इडली का शेप मिल सके। इनो ऐड करने के बाद आपको बैटर को एक ही सर्कुलर मोशन में घुमाना है, उल्टा तरफ से मत घुमा दीजिएगा। तो बस मैं इनो तुरंत ऐड करती हूँ और ऐड करने के बाद 2-3 मिनट तक छोड़ देती हूँ और उसके बाद इसे स्टैंड में डाल देती हूँ। और ये देखिए बैटर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इतनी कंसिस्टेंसी जब बैटर की रहे तो फिर आप इसे फिल कर दीजिए। तो अभी मैं सबको फिल कर दूंगी और फिल करने के बाद मैं इसे स्टैंड में लगा दूंगी। और हाँ, आपको 15 मिनट तक इसे छोड़ना होगा ताकि ये अच्छे से पक सके। और फ्लेम जो है आप लो से मीडियम रखिएगा, हाई फ्लेम पर मत रखिएगा, अदरवाइज़ इडली जो है आपकी जल जाएगी। तो बस अभी मैं स्टैंड का ढक्कन लगा दूंगी और 15 मिनट के बाद देखिएगा हमारी इडली एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रेडी हो जाएंगी खाने के लिए। A few moments later. तो फाइनली हमारे इडली जो है वो बनकर तैयार हो गई हैं। और आपको मैंने कहा था ना कि इसका कलर बहुत प्यारा आता है, तो देखिए ये कितनी क्यूट लग रही हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के ब्लॉग्स के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।